नमस्ते, एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल विजयपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरिजा, आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। कक्षा पांचवी पाठ मेरा आदर्श मेरी माँ, गतिविधि मस्तिष्क नक्शा और पाठ का सारांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आदर्श मेरी माँ मस्तिष्क नक्शा। कवि का नाम अभिनव शुक्ल। कवि कहते हैं, मेरी माता अटल सकल अजर अमर है, अगन तपन लगन भजन है, वह चक्षुओं का मीत है, वह आत्मा का गीत है, वह पवन का राग है, वह त्याग का भाग है। आगे कहते हैं, मेरी माता प्रेम और धर्म है, मेरी माँ तत्व और मर्म है, मेरी माँ जलज है और खुद जल भी वह है, रोशनी और दीपक भी वही है। आगे चलेंगे, कुछ प्रसिद्ध माताओं के नाम यहाँ पर है। माता जीजाबाई, पुथलीबाई, यशोधा माता, हीराबेन। मेरी माता मंदिर की घंटियां हैं, वह ममता की मूरत भी है, वह सागर की सीपियां हैं, वह मेरे हृदय में सूरत है। माँ के कहने पर कवि धरती को चीरने को तैयार है। मेरी माता संसार को मधुकन बनाती है, माँ मेरी जान है, माँ मेरी पहचान है, मेरा आदर्श मेरी माँ है, मेरे भगवान मेरी माँ है। इस प्रकार कवि अभिनव शुक्ल अपनी माता के बारे में कहते हैं। आगे बढ़ेंगे कविता का सारांश। इस कविता के माध्यम से कवि श्री अभिनव शुक्ल जी ने अपनी माँ ही अपना आदर्श माना है। माँ कवि के लिए सब कुछ है। कवि ने अपनी माँ को वह अजर अमर अगन तपन लगन भजन है आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि की आंखों को वह अत्यंत प्यारी लगती है, इसलिए माँ को चक्षुओं का मीत बताया है। माँ त्याग की मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है। माँ की महिमा को कवि ने गिरजे की घंटियों, मंदिर की मूरत व सागर की सीपियों से जोड़कर बताया है, जो अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल है। कवि ने कविता के माध्यम से कहा है कि माँ ही सबसे अधिक त्याग करती है, माँ हमारा भाग्य है, अर्थात उसी के आशीर्वाद से हमें सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ बच्चों एवं परिवार की खुशी को ही अपनी खुशी मानती है। वह परिवार के लिए सबसे अधिक त्याग एवं बलिदान करती है। वह हर दुखों को सहती है, परंतु कुछ नहीं कहती है। आगे बढ़ते हैं। माँ के कहने पर कवि बड़े से बड़े काम भी कर सकता है। इस धरती को चीर कर जल बनने के लिए तैयार है। माँ के कहने पर वह इस संसार को मधुकण के समान त्याग सकता है, क्योंकि वही उसका आदर्श और भगवान है। माँ के सभी गुण बच्चों को प्रभावित करते हैं। माँ का प्रेम
स्नेह, त्याग, लोरी सुनाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, बच्चों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना आदि सभी गुण प्रभावित करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। मस्तिष्क नक्शा और कविता का सारांश कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।